कायलाक पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। कायलाक का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि बेस्ट टॉक्सिन बाइंडर कौन सा होता है, टॉक्सिन बाइंडर्स क्या होते हैं और हम घर पे टॉक्सिन बाइंडर कैसे बनाएं, इसके बारे में हमने डिटेल से वीडियोस बना रखे हैं, आप ज़रूर उन्हें देख लीजिएगा। एक सरसरी नज़र में बता देता हूँ कि टॉक्सिन बाइंडर जो होते हैं वो शरीर के अंदर जो भी माइकोटॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं उन्हें पैदा होने नहीं देते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो उन्हें मल द्वार के थ्रू उन्हें बाहर निकलवा देते हैं, वो होते हैं टॉक्सिन बाइंडर। अब आप लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे थे कि हमें तो कोई सा भी अच्छा सा टॉक्सिन बाइंडर बता दें कि कौन सा हम लें ताकि बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सके। तो देखिए, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे जिस चीज का रिजल्ट अच्छा मिला वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपके एरिया में जो भी अच्छी कंपनी का टॉक्सिन बाइंडर मिलता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बात यहां पर चल रही है टॉक्सिन बाइंडर्स की। तो जो भी आपको टॉक्सिन बाइंडर किसी भी कंपनी का मिलता है, अच्छी कंपनी का, वो आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमें जिस चीज का अच्छा रिजल्ट मिला उसका नाम है पाउडर हिमटॉक्स। हिमालय कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया टॉक्सिन बाइंडर है, हम रेगुलरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े पैकिंग में भी आता है, यानी ये 20 किलो तक का भी आता है। तो मान लीजिए आप डेयरी पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इजीली उसे मंगवा सकते हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल भी भार ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो भी आप अभी नया चारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आप कहीं से लेके आए उसमें फंगस लगा हुआ आ जाए, और अक्सर हम देख रहे हैं कि इस मौसम में आगे शिकायतें होने वाली है, डगनेला जो कि एक माइकोटॉक्सिन से होने वाली बीमारी है, या कई प्रकार की फंगल ऐसी बीमारियां हैं जो टॉक्सिन से फैलने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि फफूंद लगा हुआ चारा आ गया है, फफूंद लगा हुआ भूसा आ गया है और खिलाना हमारी मजबूरी है क्योंकि दूसरा कहाँ से लाएंगे, अभी और ज़्यादा खर्चा लगेगा, तो उस कंडीशन में हम अगर साथ में टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका मिलता है। अब हम इसे देंगे कितना, देखिए बड़ी जो गाय भैंस है 50 से 100 ग्राम के बीच में इसे पर डे दिया जाता है। नॉर्मली अगर प्रॉब्लम हो गई है तो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप 25 से 50 ग्राम ही दे दें, बहुत है, बस 25 से 50 ग्राम दे दें, पर डे देते रहेंगे तो ये जो टॉक्सिन्स अंदर पैदा हुए हैं उसे वो एकदम से सही रखेगा। तो इसके अलावा इसकी जो डोज है वो हर एक कंडीशन में अलग अलग होती है, तो एक फिक्स डोज हम नहीं कह सकते। फिर भी मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में, शायद मुझे उम्मीद है कि आपको लगेगा कि हाँ ये हमने देख लिया है। तो हिमटॉक्स को हम लेंगे और अपने पैनल बाबा को बोलेंगे कि कैसे ही करके हमें पाउडर हिमटॉक्स दिखाएं जो कि एक प्रकार का टॉक्सिन बाइंडर है। तो हो सकता है हमें फोटो मिल जाए हिमटॉक्स पाउडर, तो ये देखिए हिमटॉक्स, फाइनली हमारे सामने हिमटॉक्स की फ़ोटो आ चुकी है। कई प्रकार के टॉक्सिन बाइंडर मार्केट में मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, और मैं बात कर रहा हूँ उसकी, वो है हिमटॉक्स। और देखिए हमारे सामने जो पैकिंग खुली है वो पैकिंग भी बड़ी पैकिंग में खुला है। अब ये कितना है दिख नहीं रहा, कहीं लिखा हुआ होगा 25 किलो के आसपास ही ये रहता है, बड़ा करें देखें, नहीं इस पर लिखा हुआ नहीं है पैकिंग पर। ये देखिए हिमटॉक्स, ये भी है हिमालय का ही है, 5 किलो का है, यानी 5 किलो में भी आता है, ये 25 किलो का है मुझे लगता है, 20 या 25 किलो का, तो 20-25 किलो पर भी में भी आता है ये। तो ये है वो हिमटॉक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये हिमटॉक्स 20 किलो का है ये, बिल्कुल ये बहुत ही शानदार आता है। अब फंगस लगी हुई चीज़ें अगर हम खिला रहे हैं गाय भैंस को तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज मुर्गियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, जो मुर्गी पालन करते हैं उन्हें पता है, तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं।